हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी स्किन केयर। मैं हूँ दरक्षा। आज मैं एक बॉडी लोशन का रिव्यू शेयर करूंगी और ये बॉडी लोशन है लव ब्यूटी एंड प्लानेट विथ मुरमुरु बटर एंड रोज अरोमा बॉडी लोशन सॉफ्ट स्किन। यहाँ पे इसका ये देख सकते हैं कि इसमें क्वांटिटी कितना है। क्वांटिटी बहुत अच्छा है इसका। 400 ml इसमें प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाता है। 400 ml इसका क्वांटिटी बहुत ही अच्छा है। मैं इसको इतना सारे यूज भी कर ली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है ये। इसका फ्लेवर है रोज फ्लेवर है ये। यहाँ पे इसका देख सकते हैं फुल इंग्रेडिएंट यहाँ पे इसका मेंशन है। ये सारे यहाँ पे इंग्रेडिएंट दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे दिया है यस में क्या क्या है ये सब देखिए, नो में यस, ये सब यहाँ पे डिटेल में दिया है। यस में है बेगन प्रोडक्ट है, यस 100% रिसाइकल मटेरियल है, नेचुरल मुरमुरु बटर है, ये सब यहाँ पे यश में दिया है। नो में क्या क्या है, नो में है इसमें नो पैराबीन, नो सिलिकन, नो हार्मफुल केमिकल, कोई भी ऐसा केमिकल यूज नहीं किया गया है जो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, हमारी स्किन को नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट इसमें यूज किया गया है। यहाँ पे यूज करने का डायरेक्शन दिया है, हाउ टू यूज, आप यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे अदर बॉडी लोशन में यूज करने का रहता है सेम वैसे ही इसको भी यूज करना है। कुछ अलग यूज करने के लिए नहीं है इसमें, इसमें कुछ अवॉइड करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे आइस कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है, जैसे ये बॉडी लोशन है तो इसको फेस पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, बॉडी लोशन को फेस पे अप्लाई नहीं किया जाता है। ये प्रोडक्ट है, आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। देखिए इस टाइप का ये है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, थिक भी नहीं है, लोशन है तो इस टाइप से है, स्किन में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इजी ब्लेंड हो जाता है, ज़्यादा आपको रफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस टाइप से आप इसको लगाएंगे, स्किन के अंदर चला जाता है ये। देखिए इस टाइप से ये लगेगा, देखिए इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है, स्किन बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा आपको और ये स्किन के अंदर चला जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है बॉडी लोशन यूज करने का, कि सावन लेने के तुरंत बाद यूज करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि स्किन थोड़ा सा नमी बना रहता है, उस वक्त आप मसाज करते हैं तो स्किन के अंदर जाता है लोशन, उससे क्या होता है लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, आपको पूरे डे के लिए चल जाएगा अच्छे से। अगर ड्राई होने के बाद अप्लाई करते ब्लेंड तो हो जाता है लेकिन ऊपर ऊपर रहता है, स्किन के अंदर नहीं जाता है, तो कुछ ही देर के बाद कुछ घंटों बाद में आपकी स्किन थोड़ा ड्राई ड्राई लगने लगेगा। उस तरीके से आप करते हैं सावर लेने के बाद तो बहुत अच्छा स्किन होने लगता है, सॉफ्ट सा हो जाएगा स्किन में, नमी बना रहेगा, स्किन आपका ड्राई नहीं लगेगा। मैं इसको यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रेगरेंस की तो फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइल्ड सा है, धीमा धीमा खुशबू लगता है, मुझे अच्छा लगता है। इसका खुशबू इतना तेज नहीं है कि ये आपको इरिटेट करेगा, बहुत ही धीमा धीमा सा है, रोज वाली फ्रेगरेंस आती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये लोशन की थी फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल में मैं इसको परचेज की। अच्छा इसका एमआरपी तो बताई ही नहीं, यहाँ पे इसका एमआरपी दिया है 500 है, 500 रुपये का है ये, मुझे ये सेल में मिला है 170 रुपये का मिला। मैं इसका हॉल वीडियो भी शेयर की हूँ, अगर वो हॉल वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लग रहा है। ये लोशन का क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है, ये लोशन भी अच्छा है, ऑल स्किन टाइप है, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस ब्रांड का मैं फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई की हूँ, इससे पहले मैं कुछ यूज नहीं की थी। आप लोग इसको यूज किए तो आप लोगों को कैसा लगा है कॉमेंट में शेयर कीजिएगा। यही है मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।